मेरा नाम नीर है, नीर दर्शन, और आप सभी का सीओटी पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आपको परेशान कर सकती है, हो सकता है मेरा ये चेहरा भी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। कल रात में एक नोटिफिकेशन कम्युनिटी पोस्ट में डाली गई थी, एक नोटिस डाली गई थी, जो नोटिस ये मेरे बाजू में नजर आ रही है। इसमें ये मेंशन है, ये BHO का एक नोटिस है जिसमें कई सारे सेमेस्टर्स के नाम है और ये बताया जा रहा है कि अप्रोक्स 9th of July तक आपका ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस बार ऑड सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इवन ऑड मतलब सोचते हो जैसे कि 2, 4, 6 है तो इवन सेशन हो जाएगा, ऑड मतलब 1, 3 इस तरीके से 5th रहेगा तो आपका सम विषम वाली चीज रहती है। अब इस नोटिफिकेशन की वजह से जो डाउट है उस पे हम लोग आ जाते हैं। देखो, BHO का एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करता है। उस एकेडमिक कैलेंडर में यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में जितने भी त्योहार होते हैं वो त्योहार कब कब सेलिब्रेट होंगे, पूरे साल भर में कब छुट्टियां होंगी, पूरे साल भर में कौन कौन से यूनिवर्सिटी लेवल पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे, ये तमाम चीजें उस कैलेंडर में दी गई रहती है। तो एक तरह से ये नोटिफिकेशन उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रही है। इसमें जो सेमेस्टर्स ऑलरेडी मेंशन है अगर हम लोग उसको देखें, ठीक है, और ध्यान देना कि ये नोटिफिकेशन में मैंने साफ सुथरा लिखा हुआ था ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर BHO स्टूडेंट्स, चलो अब पैकिंग शुरू कर दो। ये सूचना BHO में पहले से अध्ययनरत छात्रों के लिए है। कुछ लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे कि सर आप अधूरी बात बताते हो। यहाँ पे एक लाइन मानता हूँ कि पहले ठीक है एक्सप्लेन करने की नौबत आ जाइए, क्योंकि मैं खुद नहीं मानता हूँ कि दुनिया बहुत एब्सोल्यूट है। मैं खुद नहीं मानता हूँ, अब से नहीं मानूंगा कि दुनिया बहुत ही एब्सोल्यूट हो सकती है। मुझे लगता है ना कि हम सभी को बहुत जनरल लाइफ जीना चाहिए, जियो एकदम साधारण जीवन। मैं भी वही जीवन जीऊंगा। कोई जरूरत नहीं है कि मैं इतना हाइपोथेसिस कर लूं कि चीजें आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश करके समझाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ही नहीं जोड़ रहा हूँ, और भी जगहों से मैं बात को जोड़ रहा हूँ। देखो, मैं ये वीडियो ना जब बनाता हूँ तो मैं ये बहुत ध्यान से सोचता हूँ। आप क्या सोचते हो कि मेरा वीडियो जब घर के किसी कोने में देख रहे होते हो तो मुझे नहीं पता होता है कि आप एक्चुअली मुझे देख रहे हो? मैं सोचता हूँ ना कि जब आप मेरी वीडियोस देखो ना, तो हर एक लोग जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको ऐसा लगना चाहिए ना कि वो सच में मेरी वीडियो देख रहा है और मैं उसके सामने ही बैठ के बातें कर रहा हूँ, कि मेरी बातें उसे और अच्छे से समझ में आ जाए। भाई देवे, मेरी फिलोसफिकल बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आगे चल के ना मैं बातें करूंगा, बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लंबी बातें करूंगा, गहरी बातें करूंगा, और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि जब मैं बातें करूं तो वो आपको समझ में आए। नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं फिर। इसमें मैंने साफ सुथरा लिखा भाई, साफ सुथरा मैंने लिखा कि ये नोटिफिकेशन जो है, ठीक है, BHO में पहले से अध्ययनरत छात्रों के लिए है। लेकिन यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई, यहाँ पे इन्होंने PG फर्स्ट सेमेस्टर भी डाल दिया। अब PG फर्स्ट सेमेस्टर अगर डालोगे तो भाई डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा ना। चलो इसको हम छोटा करके था एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज अब अभी तक की चीजों को ना भूल जाना यार, थोड़ा माइंड इधर उधर स्विंग हो जा रहा है। देखो, अभी मैं चीजों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना। यहाँ पे PG 1 लिखा हुआ है, अब प्लीज समझो इसको पूरा। देखो, PG 1 इसका इन्होंने डेट रखी हुई है क्या, 9th of July, जबकि ठीक है, जबकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में यहां कोई नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रांजिशन पीरियड में, अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ, जाहिर से बात है वो अभी जब एडमिशन ही नहीं हुआ है तो बच्चे कहां से जुलाई में आ जाएंगे। तो भाई ये नोटिस ना एक दूसरी बॉडी रिलीज कर रही है जिसका CSE से लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? नहीं, ये नोटिफिकेशन जारी करने वाली बॉडी जो है वो कैलेंडर की बेसिस पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ये नोटिस जारी कर रहे हैं। और जो हमारी एडमिशंस वाला काम है वो CSE देखता है। ये दोनों बॉडी जो है वो अपना अलग अलग काम कर रही है। अब इनको मिलके काम करना चाहिए, होना ये चाहिए कि CSE अपना एडमिशन अब तक कंप्लीट करा के आप लोग को फाइनली 9 तारीख तक यूनिवर्सिटी दे देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है और कई सालों से नहीं हो रहा है। आपको अगर मैं पिछले साल का रिकॉर्ड बताऊं, आप भरोसा नहीं करोगे, अप्रोक्स अक्टूबर आ गया था क्लास चलते चलते,
सितंबर अक्टूबर ये महीने आ गए कहीं कहीं पे क्लासेस चलने में, इतना लेट हो गया था। तो भाई अभी आपका ना ये पूरा जुलाई जाएगा, मैंने एक दिन बताया तो था, आप तब तक मेरे वीडियोस देखो ना जब तक मैं खुद आके ना बोल दूं कि आप भाई जयराम चलते हैं नए सेशन के लिए वीडियो बनाएंगे। क्योंकि देखो मेरी बात समझते हो कि मैं ये पोस्ट क्यों डाला, आपको क्या लग रहा है कि ये वीडियो, ये पोस्ट मैंने डाला पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए? नहीं भाई, मेरे चैनल का नाम है बीएचयू पाठशाला। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं सुनता हूँ नीट सर है या पाठशाला वाले जा रहे हैं, ये तो बीएचयू पाठशाला वाले हैं, तो टाइप साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो वो बच्चे आज भी देखते हैं जिनको मैंने आज के 2 साल 3 साल पहले अपने उनके एडमिशन में हेल्प किया था, या वो मेरे यहाँ से पढ़ के एडमिशन लिए थे। और चूंकि मैं यूनिवर्सिटी से हूं तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी नोटिफिकेशन कम्युनिटी में डाल के लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो प्लीज आप लोग ना मतलब कोशिश क्या करो कि मेरी वीडियोस देखो, कोशिश करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री में सब्सक्राइब करना है, तो ये छोटे छोटे डाउट्स क्रिएट ही नहीं होंगे। तब आप मुझे सुनोगे ना, जैसे मैं बोल रहा था कि जब मैं बातें करूं तो लगना चाहिए कि मैं आपसे ही बातें कर रहा हूँ, एक्चुअली आपसे एकदम, किसी और से नहीं, आपसे बातें कर रहा हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो ना भाई। तो ये नोटिफिकेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग रिलीज की गई, जबकि एडमिशन सीएससी के हाथ में है और सीएससी अभी एडमिशन करा नहीं पाई है। तो ये नोटिस जो है जारी तो हो गया, लेकिन फर्स्ट वाले बच्चे अब नहीं है तो जो है उतना आगे क्लास करेंगे, बाकी बच्चे अपना धीरे धीरे एडमिशन लेंगे तो नोटिफिकेशन फिर से जारी होगा। घबराना मत, बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं लेना है, और लंबा समय लगेगा, अभी बहुत लंबा समय लगेगा। तो अभी कमिंग वीडियोज मेरा सामने जो है वो है सीएससी जो गड़बड़ियां कर रही है, क्योंकि एडमिशन में बहुत गड़बड़ी हो रहा है, बहुत गड़बड़ी हो रहा है। उसका पूरा एक जो मैं चाहता हूँ कि पूरी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इवन मैं खुद चाहता हूँ मैं वीडियो बना के बीसी को मेल करूँ, और वीडियो बना के सीएससी के मेंबर्स को मेल करूँ, और बीएचयू के कई सारे प्रोफेसर को मैं ग्रुप में भेजूँ, जिससे कि उन्हें पता चले कि भाई ये गड़बड़ है, आप इसको सही करो। फिर मेरा थर्ड राउंड कट ऑफ कब आएगा, कितने सीटें बची हैं, एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटीज है, वो वीडियो आएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा मेरे साथ इशू चल रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, बट अभी मेरा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सही है, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आप मुझे समझ पा रहे हो, बस बात बराबर है। प्लीज आप सबको सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और इस तरीके के नोटिफिकेशन से पैनिक मत होना। थोड़ा पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी नोटिफिकेशन से आप पैनिक हो गए, लेकिन आप अगर पूरी लाइन पढ़ते ना, साफ सुथरा लिखा ये सूचना बीएचयू में पहले से अध्ययनरत छात्रों के लिए है, इसका मतलब ये है कि सर कह रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए, अभी आप नहीं पढ़ रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर इस वीडियो को यहां तक देखते आ गए हो ना, क्योंकि बहुत लंबी बातें हो गई हैं, तो अब उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, आप अपना एडमिशन कब फाइनल मानोगे? जब आप बीएचयू की तरफ से दोबारा एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, या जिसको एडमिशन लेटर बोलते हैं, और वो एंड ऑफ काउंसलिंग में आता है, एंड ऑफ काउंसलिंग में आता है। क्या नाम है उसका? एडमिशन लेटर और एडमिट कार्ड बोलते हैं। एडमिट कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लेने के बाद, वो कार्ड लेने के बाद, आप यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाके अपने ग्रेड आईडी, अपना स्विमिंग पूल कार्ड, अपना जिम कार्ड, अपना हेल्थ सेंटर वाला कार्ड, ये तमाम चीजें आप बनवा पाओगे, इसीलिए उसको एडमिट कार्ड बोला गया है, बाकी उसको एडमिशन लेटर भी बोलते हैं। जब तक वो ना मिले तब तक आप बीएचयू के स्टूडेंट नहीं हुए हो। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।